दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रांडेड मेडिसिन तथा जेनेरिक मेडिसिन के बारे में, जानेंगे ये दोनों दवाइयाँ क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती क्यों होती है, क्या ब्रांडेड के जितना ही असर करती है, और मुख्य रूप से जानेंगे जब मेडिकल स्टोर पर हम दवा खरीदने जाते हैं तो किस तरह से पता करें जेनेरिक दवा कौन सी और ब्रांडेड दवा कौन सी है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इनके बारे में मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं जेनेरिक दवाइयाँ तथा ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है। जेनेरिक दवाइयाँ वे दवाइयाँ हैं जो अपने केमिकल नाम, अपने प्रॉपर नाम, साथ ही फार्माकोपियल नाम से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है और इसी से इसकी मार्केटिंग की जाती है। इन दवाओं को हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। और ब्रांडेड मेडिसिन वो है जो अपने केमिकल नाम या प्रॉपर नाम से नहीं बिके, कोई पर्टिकुलर दूसरे नाम से बिकती है जो कि उस कंपनी द्वारा दिया गया होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो बोल्ड अक्षर में लिखा गया है ये ब्रांड नेम है, और जो ऊपर बारीक अक्षरों में लिखा गया है दवा का साल्ट नेम है, जेनेरिक नेम है। जब भी ब्रांड नेम चेंज होती है तो इसकी जो बोल्ड अक्षर है ये चेंज हो जाते हैं, दूसरी ब्रांड अपना नाम रख लेती है, लेकिन जो साल्ट नेम है वही रहता है। ये ब्रांडेड दवाइयाँ होती है। दोस्तों वीडियो में आप जान लेते हैं क्या डिफरेंस रहता है जेनेरिक मेडिसिन में और ब्रांडेड मेडिसिन में। सबसे पहला डिफरेंस इसके नाम का होता है दोस्तों, जो कि हमने वीडियो में अभी शुरुआत में जान लिया। जेनेरिक दवाइयाँ अपने खुद के नाम से बिकती है और जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं कंपनी द्वारा दिए गए नाम से बिकती है। दूसरा जो इसका डिफरेंस है वो इसकी प्राइस का है। इसमें जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड के मुकाबले बहुत ही सस्ती हमें मिल जाती है। सस्ती मिलने का कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ब्रांडेड दवाइयाँ रहती है वो मॉलिक्यूल के रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, साथ ही इसके प्रमोशन पे, इसके एडवर्टाइजमेंट में, साथ ही इसकी जो सेल चैनल होती है बहुत ही लंबा होता है, जिस कारण से इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये खर्चा सभी कस्टमर से ये दवा कंपनियां वसूल करती है। तो इसी कारण से दवा बहुत ही महंगी होती है। और जो जेनेरिक दवाइयां हैं इनकी कोई भी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होती है, एडवर्टाइजमेंट इसके नहीं होते हैं, और जो इसकी सेल चैन है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर और सीधी कस्टमर के हाथों में, इसी कारण से ये सस्ती होती है। और दोस्तों सस्ती होने के कारण हमारे दिमाग में कई बार ये आता है दवा सस्ती है तो काम नहीं करेगा, और आपको कई दर्जनों ने बताया होगा जेनेरिक दवाइयाँ काम नहीं करती। तो उसके लिए भी मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो जेनेरिक दवाइयाँ या स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं उनको बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें FDA द्वारा एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है, उन्हीं के अनुसार इनको बनाया जाता है। जैसा कि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी कितनी मात्रा डालनी है, क्या उसकी डोज लेनी चाहिए, मोड ऑफ एक्शन, उसकी एफिशिएंसी, ये सभी फिक्स कर दी गई होती है। और लास्ट में अगर बात करें तो जब मार्केट में आती है उससे पहले क्वालिटी चेक उसकी होती है, QC पास होती है, उसके बाद में ही मार्केट में आती है। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, ये आप बिल्कुल भ्रांति दिमाग से निकाल दें। अगला जो डिफरेंस है वो है इसके साइज, शेप, कलर और पैकेजिंग का। इसमें दोस्तों जो ब्रांडेड दवाइयाँ रहती है पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा खर्च करती है, बहुत अट्रैक्टिव इसकी पैकेजिंग बनाती है, कलर भी अलग अलग तरह के मेडिसिन में डालती है, और जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो अपने अकॉर्डिंग कलर देती है, और जो टेबलेट रहती है कोई ओवल शेप बना देता है, कोई ट्राइंगल, कोई लंबी टेबलेट बनाता है, तो ये कुछ चेंजेज इसमें रहते हैं। और अगला जो डिफरेंस है वो रहता है इसके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का। दोस्तों जब भी टेबलेट, सिरप या इंजेक्शन कुछ भी बनाया जाएगा तो उसमें दो प्रकार के इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा इनएक्टिव। इनएक्टिव जो इंग्रेडिएंट रहता है इनका बीमारी को ठीक करने में कोई भी रोल नहीं होता, और दूसरा होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मेनली बीमारी को ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्रांडेड और जेनेरिक में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दवा का शेप देने के लिए, दवा को बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव है, एक्सीपिएंट है, ये कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में समझ लिया है क्या क्या दवाइयां होती है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर जब इसको खरीदने जाए तो किस तरह से इसमें डिफरेंशिएट करें कौन सी जेनेरिक दवा है, कौन सी मेडिसिन जो ब्रांडेड दवा है। तो इसका सबसे सीधा सीधा जवाब यह है दोस्तों, शुरुआत में हमने बात की थी जो जेनेरिक दवाइयां होती है वो अपने प्रॉपर नाम से आती है, जो ब्रांडेड दवाइयां होती है वो किसी पर्टिकुलर अलग नाम से आती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आ जाता है, हम सभी एक गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि जो दवाइयां हैं ब्रांडेड कुछ सस्ती हमें मिल जाती है वही जेनेरिक है। इसमें दो प्रकार की आपको ब्रांडेड दवाई मिलती है, एक तो अपनी शुरुआत से जो रेट में चली आ रही है उसी रेट में मिलती है, और दूसरी उसी साल्ट की आपको सस्ती दवा मिल जाती है। मैं आपको एग्जांपल से इसको समझा दूं, शायद आप नहीं समझेंगे।
एक साल्ट है दोस्तों सिट्रीजिन, जो कि एंटीहिस्टामिनिक है और एलर्जी के लिए सभी घरों में प्रयोग लिया जाता है और आपने भी इसको प्रयोग लिया होगा। इसकी एक ब्रांड है सेटजिन, जो ग्लैक्सो स्मिथ कंपनी की है और इसकी एमआरपी आती है 17 से 18 रुपये और इतने रुपये में ये मार्केट में आपको मिलती है। दूसरी ओर जो ब्रांडेड मेडिसिन है ओकासेट, ये सिप्ला द्वारा बनाई जाती है, इसकी एमआरपी भी 17-18 रुपए होगी, लेकिन कई केमिस्ट शॉप अगर आप जाएंगे तो आपको 10 रुपए में ये 10 गोली दे देंगे और कई जने 5 रुपए में भी आपको 10 गोली दे देंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों रहा? मेन डिफरेंस ये दोस्तों, जो ओकासेट टेबलेट, इस पे जो खर्च किया जाने वाला है वो बिल्कुल ही कंपनी नहीं करती है। तो इस दवा को हम इस तरह समझ सकते हैं, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन ये है, और इस ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन को हम जेनरिक मेडिसिन मानने की गलती कर बैठते हैं और बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से पहचाने, उसका मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता दूं, इसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें। तो जब भी आप कोई मेडिसिन खरीदने जाएं तो सहकारी उपभोक्ता भंडार को, जो कोऑपरेटिव होलसेल भंडार है, उस पे से खरीदें, जहाँ पे आपको जेनरिक दवाइयाँ और जो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ हैं दोनों मिल जाती है और सस्ती रेटों मिलती है। इसके अलावा जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं पूरे इंडिया में अभी, वहाँ पे भी आप जाके अगर खरीदते हैं तो आपको जो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन ये मिल जाती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और जो जेनरिक मेडिसिन है आपको पता चल ही गया होगा, बिल्कुल अलग ही होती है, अपने जेनरिक नाम से आती है, अपने केमिकल नाम, प्रॉपर नाम, साथ ही फार्माकोपियल नाम से मिलती है, इसमें किसी तरह का ब्रांड नेम नहीं छपा हुआ होगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है, जेनरिक दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाएँ क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, किस तरह से हमें इन दवाइयों को पहचानना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़ोर से समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से हेल्पफुल आपको रहा होगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आ गया, ज़ोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले हम देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर अबाउट मेडिसिन।